देखें पहचान के बच्चों ने को पता था कि नादिया जेवर नहीं पहनती, आज उन्होंने देखा कि नादिया को जेवर पहना ही ले, और ये देखें ये मेरे हाथ में कितनी प्यारी डायमंड की चूड़ी है, और ये मैं पहने लगी हूँ अपने कानों में, ब्यूटीफुल हसीन तरीन बुंदे ये देखें, जो कि मैंने मुझे सख्त जरूरत थी इनकी। आपको कैसे पता लगा कि मुझे जरूरत थी? क्या किया था? ख्वाब आया था? ख्वाब में क्या ये बुंदे आए थे? क्या बात है भाई, क्या बात है वहीद, और ख्वाब में ये अंगूठी भी आई थी, ये ख्वाब भी देख लो। छी, अब नाजरीन मैं टिश पिश बन चुकी हूँ, थैंक यू सो मच बच्चों, और भी बहुत सारी चीजें मेरे लिए, मेहंदी भी आई है, और ये देखें डॉक्टर सेट आया है मेरे लिए, जिससे मैं भी चेक करूंगी आपको। एक डॉक्टर सेट आया है, और चूड़ियां, ईद की चूड़ियां, मेरी ईद की शॉपिंग तो यही हो गई। क्या बात है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और ये मुझे बता रही थी सारा कि ये बच्चों ने, इन बच्चों ने ये अपनी पॉकेट मनी से ही चीजें ली जी, हैं, जो जो स्कूल जाते हैं स्कूल बच्चे उनको गोइंग पॉकेट बच्चे, मनी मिलती बिल्कुल है, और उन्हें अपनी पॉकेट मनी से ही सारी चीजें मुझे ला के नादिया ये दी। कमेटी भी डालते हैं, क्योंकि पहले ये जो बच्चे हमारे पास आते हैं पहचान में, उनका ये प्रॉब्लम है सड़क पे रहने वाले बच्चों का, कि कमाई तो करते हैं कोई 10-15 रुपए रोज के, 20 रुपए भी कमा लेते हैं, लेकिन उसको रखें कहाँ? तो वो फिर सिगरेट पे खर्च करते हैं या किसी और चीज़ों पे, नशावर चीज़ों पे खर्च करते हैं, कि एटलीस्ट हम पे तो खर्च हो रहा है ना, हमसे कुछ छीन के नहीं ले जा रहा। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने कमेटी डाली हुई है, सारे बच्चे अपने पैसे सेव करते हैं, इसी तरह चूड़ियाँ वगैरह खरीद के और अपनी अम्मी के लिए जमा करते हैं। दैट्स अ प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन, दैट्स मेकिंग द कनेक्शन अगेन विद द फैमिली। जी मोहम्मद हुसैन, आप बताएं कि आप पहचान में क्या कर रहे हो? मैं वहाँ पढ़ता भी हूँ और हमें खाना भी मिलता है, दूध मिलता है, सब हाँ, कुछ हमें मिलता है वहाँ, और बताओ कि आपने अपने घर में क्यों नहीं रहते? क्योंकि मेरे घर वाले मुझे मारते हैं, क्योंकि मैं बाहर वो सेंटर से ना बाहर गली में सोता हूँ, रिश्के नहीं, में। तो आपको क्यों मारते हैं आपके घर वाले? वैसे ही पता नहीं, क्यों आप शरारत करते हो, मारते हैं, ऐसे ही मारते हैं? हाँ, मेरे दोस्त थे ना, तो मैं काम पर जाता था, मेरे दोस्त घर में आकर झूठ बोलते ये काम पर नहीं जाता, तो कैसे मारते थे वो? तो फिर कहते तुम गलियों में फिरते हो, फिर मारते थे। मास का नाम क्या है? शबाज अली। शबाज अली, आप बताइए कि आप अपनी कहानी बताइए, मुझे खुल के बताइए, शुरू से बताइए। मैं पहले मोटरसाइकिल काम करता रहता था भाई, ठीक है, 11 करोड़ के पास, उधर रहता था मैं, रात को उधर सोता था। ठीक है, एक से साहब के आदमी थे, उन्होंने मुझे उठाया रात के, और वो कहने के मैं डर गया था उस टाइम, वो मुझे कहने लगे डर मत, नहीं एक तुम्हारे भले की बात है, मैं तुम ईदी वाले, कहते हम ईदी वाले नहीं हैं, हम पहचान वाले हैं, हम बाहर डरा दिया इसी बच्चों का, ठीक है हम बच्चों को तो सुनाते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, ठीक है, तो वो आपको ले आए, हम हमें ले आए। ठीक है मैं फिर आया उधर, गया हूँ एक दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, उधर मैं फिर रहता रहा हूँ, फिर रहता रहा हूँ उधर, मुझे फिर पूछा मुझे, तुम काम करने जाते हो पढ़ने जाते हो? मैं काम करने जाता हूँ। काम करने जाते हो, ठीक है फिर फिर, उन्होंने मुझे काम में डाल दिया, फिर मैं काम करने लग गया, ठीक है वो तो काम करके फिर होते मैं रहता था, सोता था, फिरता था, ठीक है। इसलिए मैं कुछ दिन रहते रखा उधर ही। तो मास्क क्यों पहना हुआ है आपने? मैंने इस कोई एक दिन वो क्या कहते हैं ब्यूरो वाले आए थे उधर, कौन आए थे? ब्यूरो वाले, ब्यूरो वाले, क्या वो उन लोगों ने अच्छे से उतना बदतमीजी की थोड़ी सी, कैसे बदतमीजी की बच्चों को इधर पकड़ा उधर जाकर के, चलो उधर चलो। हाँ ब्यूरो वालों ने? जी, वो पुलिस वाले से कुछ साथ उधर किसको मारा? बच्चों को, सब सबको बच्चों को। चपेड़े मारी? हाँ जी, तो उस वक्त आपको साथ कोई बड़ा नहीं था? जी, बड़े का वो पुलिस साइड पे, अंदर थे ऑफिस पुलिस साइड पे क्या हुआ था? अच्छा, फिर क्या हुआ बताएं? फिर उन्होंने कहा तुम एक कमरे में चले जाओ, मास्क बताएगा फिर? फिर उन्होंने कहा एक कमरे में चले जाओ, हम एक कमरे में गए हैं, उन्होंने फिर एक एक करके तराशी ली, मरी मैं तराशी ली, और हमें पूछने लगे हैं ठीक तुम्हारा है, नाम फिर क्या आपको है? वो ले गए क्या ब्यूरो वाले? हाँ जी, हमें ब्यूरो लगे फिर वहां क्या हुआ आपके साथ? वहाँ, उन लोगों ने क्या कहते हैं जियो वालों को बुलाया था हमें, उन लोगों ने इंटरव्यू लिया था, कहते तुम कैसे रहते, कैसे आए तुम, ठीक है, फिर मैंने वो बताया। नहीं तो आपने मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, आपने मास्क क्यों पहना हुआ है? मैं इसलिए मैं मास्क पहना हुआ, क्या कहते हैं वो तो बच्चों को बहुत पहरे रास्ते रखते हैं, बच्चा को जो उधर चले जाता है फिर वापस नहीं आ सकता। वही बता रहे हैं उनका दोस्त शाखा जो है, अभी तक चाइल्ड प्रोटेक्शन, शाकिर,
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ अभी तक है और वो वापस नहीं आ पाया। और यही बात हो रही है कि एक मिसकम्युनिकेशन सी लग रही है पहचान और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बीच में, कि दोनों का जो नज़रिया है वो एक है, अप्रोचेज मुख्तलिफ हैं और आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। हमारी ये कोशिश है कि प्रोग्राम के बाद मजीद, आप देख रहे हैं इनके बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं विंडो में, आप देख रहे हैं, हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो इनकी कम्युनिकेशन है ये बेहतर होए, किसी तरह हम भी ब्रिज बने कि आप आपस में अपना कम्युनिकेशन बढ़ाएं। आदिल जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, इनका क्लोज नहीं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे हैं जो, तो आदिल बता रहे थे कि वो पढ़ना चाहते हैं और बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, आप अपने आप को ना देखें, मुझे देखें, क्या बनना चाहते हैं? बड़े और नहीं, जो अल्लाह का शान है जो बन जाऊँ बन जाऊँ। और मेरा दिल तो है मैं बड़ा होके कोई कारीगरी बन जाऊँ तो अच्छा है। क्या बात है, कारीगर, ये तो बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह जरूर बनोगे। और मुझे बताओ सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? सबसे ज्यादा अल्लाह से और अल्लाह के माँ बाप से। माँ बाप से? माँ बाप से क्यों डर लगता है? क्योंकि उन्होंने हमें पाला है और इतना बड़ा किया है। तुझे डर लगता है? ड्रोने आपके माँ बाप। अच्छा और कोई बात कहना चाहोगे आदिल जी? क्या कहना चाहोगे? और बात ये कहना चाहता था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और मेरी मम्मा पापा चाहता है कि तुम ना पढ़ो, कोई और काम कर लो, तो मैंने सोचा मैंने पढ़ना ही है। और आज से 2 महीने हो गए हैं मैं वेला फिर रहा हूँ और पढ़ भी नहीं रहा हूँ। तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो? अभी उनसे ऑर्डर मिलेगा तो फिर ही। किन से ऑर्डर मिलेगा? मम्मा और पापा से। अरे मम्मा पापा से मुझसे मिलाओ, कैसे नहीं इजाजत देंगे हैं? ठीक है जी, उन्हें नादी आंटी से मिलाओ, उन्हें के रोजे भी और रखता हूँ हैं, और रोजे भी रखता हूँ। रोजे भी रखते हो, क्या बात है, तालियां के रोजे आदिल के लिए। अच्छा अब बात करते हैं नवाज से, नवाज से बात करते हैं क्योंकि नवाज जो है अब वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं और तनख्वाह भी ले रहे हैं माशाल्लाह से, और ये पढ़ भी रहे हैं। बताइए अपने आप के बारे में। मैं पहले सेंटर में आया और इन्होंने ना मेरा बिहेवियर चेक किया कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। बाद में इन्होंने ना मुझे स्कूल दाखिल कर दिया और मैं स्कूल पढ़ रहा था। तो पहले ना मैं अव्वल क्लास में पढ़ता था और पहले भी मैं पढ़ा हुआ था 4 क्लास, इसीलिए मैंने ना फर्स्ट पोजीशन ली और मुझे इनाम मिला सेंटर से। और बाद में ना हौली हौली मुझे ना पढ़ना आ गया, तो बाद में ना इन्होंने मेरा सोचा और मुझे ना उधर टीचर बना दिया। अली अब्बास आप क्या करते हैं? काम करते हैं। काम कहाँ करते हो आप? किधर? शानूर पंप। शानूर पंप पे काम करते हो? क्या उम्र है आपकी, कितने बड़े हो? 9 साल। 9 साल के हो? और अब्बू अम्मी 9 साल से छोटे लग रहे हो मुझे, थोड़े से छोटे हो 9 साल से, थोड़े से छोटे हो गए ना। और मुझे बताओ कि अम्मी अब्बू कहाँ आपके साथ रहते हो? हाँ जी। अम्मी अब्बू ख्याल रखते हैं आपका? हाँ जी। थोड़ा कभी कभी मार पिटती है? हाँ जी। किससे पिटती है? अब्बू। कैसे पिटती है, कैसे पिटती है? लतों से। लतों से? आपके अब्बू आपको लातों से मारते हैं? हाँ जी। फिर आप क्या करते हो? हम भाग जाते हैं बस। भाग जाते हो। और कोई बच्चा है? क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो रहा है, किसी ने बात करनी? हमजन आप भी बात कर लिए, वहीद से आखिर में बात कर रहे हैं, आपसे बात हो गई है, वहीद से करते हैं बात। जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, लास्ट मिनट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्वाब था मैं पहले पढ़ूंगा और पढ़ के मैं ना एक पुलिस वाला बनूंगा या फिर मैं ना लाजमी एक पहचान में काम कराऊंगा। और मैं ना माइक साथ रखो, एक मैं भी पहचान का एक सेंटर खोलूंगा बड़ा होके, और जब मैं अमीर बनूंगा और मैं किसी बच्चे को ना सड़क पर नहीं सोने दूंगा, उनकी हेल्प करूंगा और उनके साथ रहूंगा भी, ये नहीं उनको पढ़ाऊंगा भी, और जैसे मुझे पढ़ा रहे हैं वैसे मैं भी पढ़ाऊंगा उनको इंशाल्लाह। हमारी यही दुआ है वहीद, आपकी दुआ पूरी होगी। और बहुत सारे बच्चे हैं जो बात करना चाहते हैं, अभी माइक में सबको बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन नाज़रीन वो बातें मैं सुनूंगी। और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ चला, ये बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, मेरी जिम्मेदारी हैं, सिर्फ डॉक्टर साहब और सारा सिद्दीकी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जिम्मेदारी नहीं है, ये बच्चे पाकिस्तान की जिम्मेदारी हैं। इन पर अगर तशद्दुद हुआ है तो हमने करने होने दिया है, और इनको इनका कोई अगर ख्याल रखेगा, इनकी कोई जिम्मेदारी लेगा,
हम लेंगे। वो पहचान का नंबर और एड्रेस स्क्रीन पे ले आइए, आप देख सकते हैं ये अकाउंट नंबर है पहचान के, ये एड्रेस है पहचान का, ईमेल भी है info@pehchan.org, और ईमेल करके फ़ोन करके ये वेबसाइट इनकी लिखी हुई है www.pehchan.org। प्लीज़ पहचान का हिस्सा बने और पाकिस्तान के बच्चों को अपनी हिफाजत में लें, अपनी निगरानी में लें। आपने हमें अपनी दुआओं में याद रखना है, इन बच्चों को दुआओं में याद रखना है। याद रखें ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।